नमस्कार दोस्तों, देखिए इस मेजरमेंट वाली शर्ट का फ्रंट पार्ट कटिंग आपने पहले भाग में देखा था। देखिए ये दूसरा भाग है वीडियो का, तो इसमें मैं आपको उसी शर्ट की बैक कटिंग करके दिखाऊंगा। और इस शर्ट का कटिंग का पहला भाग भी ज़रूर देखिए। पहले भाग के वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। सबसे पहले ये ऊपर का हिस्सा इस तरह स्ट्रेट कर लेना है। ये जो फोल्डिंग है बिल्कुल इस काज बटन लाइन के नीचे आनी चाहिए। इस तरह ये फ्रंट बिछा लेना है। ये देखिए, और यह देखिए, ये जो बैक की लाइन है आधा इंच ऊपर रख के इस तरह ये कपड़ा सेट कर लेना है। अब देखिए शर्ट का शोल्डर था 18 इंच, तो ये 18 इंच और ये सिलाई के लिए। अब देखिए ये चेस्ट वाला मार्किंग और ये मार्किंग इस तरह जोड़ देना है। अब देखिए यहाँ ये जो बैक है 3 सूत ऊपर एक मार्क करेंगे। ये देखिए यहाँ, और ये मार्क इस तरह आगे मिलाएंगे और यहाँ इस तरह कर दे के फ्रंट को मिला देंगे। यहाँ देखिए 2 सूत थोड़ा डाउन करेंगे। ये हो गई बैक की कटिंग। तो अब देखिए इस बैक को पीछे 2 डॉट देने हैं, तो किस तरह देते हैं ये देखिए। इस तरह फोल्डिंग कर लेनी है। ये वेस्ट लाइन पे यहाँ आधा इंच सिलाई में दबेगा, तो यहाँ एक मार्क करना है और ये इस तरह सीधी फोल्डिंग कर लेना है। इस तरह। अब देखिए ये जो चेस्ट लाइन है बिल्कुल इसके बराबर एक मार्क करना है। और नीचे ये देखिए, और यहाँ से 13 इंच का डॉट लगेगा, तो 13 इंच पर एक मार्क करना है। और यहाँ 6.5 इंच पर एक मार्क करना है सेंटर। ये देखिए इस तरह बैक में डॉट देना है।
यही डॉट यहाँ कॉपी कर लेना है। ये देखिए ये लाइन यहाँ 13 इंच पर एक मार्क, उसका सेंटर 6.5 इंच पर, ये स्लिम शर्ट है इसलिए बैक पे 2 डॉट देने हैं। तो ये हो गई बैक की कटिंग। और ये इसका ये फ्रंट पार्ट। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। ये वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।